वेलकम टू माई YouTube चैनल एच सी क्रियो इस वीडियो में हम आयोश मैनेजिंग सेफली की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे मॉड्यूल सिक्स इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स के पार्ट टू को इस पार्ट में हम बेसिकली देखेंगे कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स आप एक्सीडेंट्स को किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं तो चलते हैं पार्ट टू मॉड्यूल सिक्स इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स देर इज अ प्रीलिमिनरी नोट द मेन परपज ऑफ दिस आयोश मैनेजिंग सेफली लेक्चर सीरीज ज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज नथिंग मोर देन दैट और अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम हाउ डू यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह से इंसीडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे ड्यूरिंग इंसीडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन तो सबसे पहले आ जाता है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है इफ एन एक्सीडेंट अकर्ड ऑन द साइट अगर कोई साइड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें किसी को इंजरी आई है प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है या फिर कोई और हार्म हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इंश्योर द वेल बियंग ऑफ इंजर्ड पर्सन जब भी किसी एक्सीडेंट साइड पे आप जाएंगे तो सबसे पहले आप फर्स्ट ट्रीटमेंट देंगे जो बंदा जिसको चोट लगी है उसको पहले उसकी वेलबियंग well का ख्याल करेंगे और देन हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि प्रिवेंट द सीन सीन को प्रिवेंट करेंगे सीन को प्रिजर्व करेंगे बैरिकेड लगाएंगे ताकि अनऑथोराइज पर्सन जो है या अनऑथोराइज वर्कर की एंट्री को प्रोहबिट किया जाए अब क्यों प्रोहबिट किया जाए वो डेफिनेटली मिलाइन कर सकते हैं इंसिडेंट एक्सीडेंट के जो भी वहाँ पे एविडेंसीज हैं टेम्पर कर सकते हैं चीज़ों को चीफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन uh, को चेंज कर सकते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं साइट के ऊपर तो हम सबसे पहले अनऑथोराइज एंट्री को प्रिवेंट uh, करेंगे कीप आउट की साइनेज हम वहाँ पर इरेक्ट करेंगे और एरिया को बैरिकेड कर देंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर थ्री है रिपोर्टिंग द एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स हमने एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना है ये रिपोर्टिंग इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है एंड एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है तो रिपोर्टिंग में हमारे पास सबसे पहले हम सीनियर मैनेजमेंट को बताएंगे इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन है इन्फोर्समेंट अथॉरिटी एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है इंजर्ड फैमिली जो है इंजर्ड पर्सन की जो फैमिली है एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है ओनर ऑफ द एसेट्स एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस कंपनी है इसी तरह से सेफ्टी इम्प्लॉइज आर रिप्रेजेंटेटिव तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी इंटरनल है कौन सी एक्सटर्नल है एंड हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मतलब कि एच डिपार्टमेंट को भी हम इंफॉर्मेशन देंगे तो दोनों तरह की कम्युनिकेशन इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करेंगे सिंपल इज दैट जो इंफॉर्मेशन हम इंटरनली फ्लोड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को एच आर को हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव को उसे हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहेंगे एक्सीडेंट की और जो एक्सटर्नल जैसे कि एन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है इंजर्ड पर्सन फैमिली है ओनर ऑफ द एसेट्स है या इंश्योरेंस कंपनी है तो इनको हम ये सारे जो हमारे पास एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज़ हैं तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रिपोर्टिंग ऑफ द इंसिडेंट में हम एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कंपनी का क्या नाम था डिपार्टमेंट क्या था लोकेशन की थी टाइप ऑफ इंजरीज कौन कौन सी आई हैं हार्म किस तरह का हुआ है एम्प्लॉई कौन कौन से इन्वॉल्व थे उनका नेम पोजिशन एड्रेस मतलब ये पूरा हम फॉर्म फिल करेंगे जिसे हम इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं या एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म भी इसको बोलते हैं अब उसके बाद आ जाता है असेंबल द इन्वेस्टिगेशन टीम उसके बाद हमने टीम को असेंबल करना है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से लोग टीम में इन्वॉल्व होंगे तो उसमें सबसे पहले सम वन फिमिलियर विद द वर्क लोकेशन ऐसा बंदा हम टीम में चूज करेंगे जिसको वर्क लोकेशन का पता है जिसको ले का पता है जिसको आइडिया हो सकता है कि ये एक्सीडेंट किस रीजन की वजह से हुआ है उससे हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि रीजन ऑफ एक्सीडेंट क्या थी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुपरवाइजर आर मैनेजर फ्रॉम द वर्क लोकेशन जो बंदा उस पर्टिकुलर बंदे का जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है जो एक्सीडेंट में इनकाउंटर हुआ है उसके सुपरवाइजर और मैनेजर को भी हम लूप में लेंगे बिकॉज वो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा उस बंदे के बारे में उस एरिया के बारे में जहां पे एक्सीडेंट हुआ है नेक्स्ट सीनियर मैनेजर एंड अथॉरिटी आर इन्फ्लुएंस जो भी हमारे पास सीनियर अथॉरिटी है उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे बिकॉज ड्यूरिंग इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन सेवरल डिसीजन जो हैं वो लेने पड़ते हैं तो हमारे पास एक अथॉरिटेटिव एंड होना चाहिए जिसकी अथॉरिटी हो कि वो ऑन टाइम डिसीजन ले सकें तो उसको भी हम टीम में इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट्स डेफिनेटली जो मेन बंदा जो इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहा होता है या इसीडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं दो हजार हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है मैनेजर हो सकता है इंजीनियर या सुपरवाइजर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा एक्सीडेंट था उतनी उसी लेवल की इन्वेस्टिगेशन और उसी लेवल का हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इसको कंडक्ट करेगा नेक्स्ट इंप्लॉय रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेटली इंप्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को एरियाज के बारे में इंप्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और फर्दर हमने उसी इंप्लॉय रिप्रेजेंटेटिव से ही इंफॉर्मेशन को फ्लोड कराना है वर्कर्स टू वर्ड वर्कर्स तो उसको भी हम इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्सन इन्वॉल्व इन द इवेंट वो बंदा जो एक्सीडेंट में विक्टम था या जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है उसको भी हम इंसिडेंट एक्सीडेंट में इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करेंगे उसका प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करेंगे उससे और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे लेकिन ये तब ही पॉसिबल है अगर वो बंदा सेफ एंड साउंड है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट कर रहा है तब हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट इफ नेसेसरी टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि लाइक फोकलिफ्ट इन्वॉल्व हुआ है एक्सीडेंट में तो जो फोकलिफ्ट की मेंटेनेंस करते हैं जिसको फोकलिफ्ट की ब्रेकिंग मैकेनिज्म बाकी मैकेनिज्म के बारे में पता है तो उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम एक्सपर्ट एंड के ऊपर टेक्निकल एडवाइस भी ले सकें या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ले सके कि ये एक्सीडेंट में क्या क्या रीजन थी तो इस तरह से हम डिफरेंट सिंपल इज दैट कि इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जस्ट एक बंदा नहीं कर रहा होता बल्कि पूरी एक टीम इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है जिसमें डाइवर्स लोग होते हैं डिफरेंट तरह के जैसे कि सुपरवाइजर्स हैं मैनेजर्स हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं इसी तरह से मतलब कि अथॉरिटेटिव एंड के ऊपर हमारे पास एक हायर मैनेजमेंट का बंदा है तो ये टीम हम असेंबल करेंगे इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डिटर्मेंड बाई द लाइवलीहुड ऑफ रीअरेंस एंड द पोटेंशियल वर्स कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द अनडिजायर्ड इवेंट्स तो हम कहता है कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है तो मिनिमल ले, लेवल की इन्वेस्टिगेशन होगी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो डेफिनेटली एक्सपर्ट लेवल की हायर लेवल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वो कहता है कि किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो नीचे हमारे पास आ रहा है लाइकलीवुड ऑफ री एकरेंस पोटेंशियल वर्ड्स कॉन्सिक्वेंस क्या है माइनर है सीरियस है मेजर है फेटल है पॉसिबिलिटी पॉसिबल और लाइकली हमारे पास आ रहा है अनलाइकली आ रहा है तो ये है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास लाइकलीहुड आ रहा है और जो नीचे वाला बिल्कुल पोर्शन रहेगा उसमें हम डिपिक्ट करेंगे कि हमें किस लेवल की इन्वेस्टिगेशन करनी तो सबसे पहले फॉर द मिनिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर लोअर लो लाइवलीहुड एंड मतलब के पॉसिबिलिटी है रीअकरेंस की तो और माइनर कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे तो हम मिनिमल लेवल की इन्वेस्टिगेशन करेंगे एक दो बंदे इन्वेस्टिगेशन टीम में होंगे नेक्स्ट इज लो लेवल इन्वेस्टिगेशन तब होगी जब लाइवलीहुड मीडियम हो और कॉन्सिक्वेंस सीरियस हों और इसी तरह से मीडियम लेवल इन्वेस्टिगेशन होगी जब लाइटलीहुड हाई हो और जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो मेजर हों इसी तरह से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन यूज करेंगे हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करेंगे जबकि पॉसिबिलिटी हाई हो और जो कॉन्सिक्वेंस हैं फेटल हों फैटल मतलब किसी बंदे की डेथ हो जाए या फिर मेजर इन्वायरमेंटल कॉन्सिडरेशन आ जाए या फिर किसी बंदे की एम्पूटेशन या मजदूरी हो जाए तो उस केस में हम हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट करेंगे सिंपली दैट इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि जिस लेवल का जिस नोइत का एक्सीडेंट हुआ है उसी नोइत की हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनिशिएट करेंगे नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ स्टेप है इन्वेस्टिगेट यूजिंग अ स्ट्रक्चर्ड अम्प्रोच हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को यूज़ करते हुए इन्वेस्टिगेट करेंगे ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा उठेगा वो कुछ फैक्ट्स लिख लेगा और उसके बाद उसको कंक्लूड कर देगा हमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस चाहिए होगा उसको यूटिलाइज करते हुए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्सीडेंट को जिसमें सबसे पहले गैदरिंग इन्फॉर्मेशन साइट से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे फोटोग्राफ्स लेंगे डॉक्यूमेंटेशन को अक्वायर करेंगे लोगों की ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे साइट पे क्या हुआ है कोई सैंपल वहाँ से कलेक्ट करने हैं इन सब चीज़ों को कलेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन उसके बाद गैदरिंग इन्फॉर्मेशन में हमें फिजिकल uh, क्लूज हम लेंगे uh, जो बंदे हैं वहाँ पे उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे डॉक्यूमेंट्रीज जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अक्वायर करेंगे देन एनालाइज द फाइंडिंग हम अब फाइंडिंग्स को जो भी हमारे पास डाटा आया है जो हमने साइट से ऑब्जर्वेशन ली हैं जो इंटरव्यूज किए हैं बाकी सारी चीज़ें की हैं उनको अब हम क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट रिव्यू करंट रिस्क कंट्रोल्स करंट रिस्क कंट्रोल जो वहां पर इंप्लीमेंटेड है जैसा कि स्पीड लिमिट हो सकती है जैसा कि वॉकवेज हो सकते हैं उनको हम देखेंगे कि वो प्रॉपरली बने हुए थे फॉलो हो रहे थे सूटेबली सफिशेंटली रिस्क को कंट्रोल कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे उनको हम रिव्यू करेंगे देन क्रिएट एन एक्शन प्लान अब फर्दर रीअ को प्रिवेंट करने के लिए हम एक्शन प्लान बनाएंगे कि सिमिलर एक्सीडेंट दोबारा साइड पे ना हो एक्शन प्लान क्या होता है कि हम एक अब मतलब कि आप ये कह लेंगे नए कंट्रोल मेजर एडिशनल कंट्रोल में, में सजेस्ट करेंगे कि ये साइड पे लेंगे ताकि रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखेंगे जिसमें ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि क्या हुआ था किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था कौन रिस्पॉन्सिबल था रूट कॉज कौन सी थी किसका इंटरव्यू लिया गया इंटरव्यू के पॉइंट्स क्या थे तो ये हमारे पास एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट जो है उसको हम बनाएंगे और इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इसको एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ को और इंटरनली कंपनी में इसको सर्कुलेट करेंगे नेक्स्ट आता है हैंडलिंग एक्सटर्नल रिलेशन सिक्स पॉइंट है ये भी इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन से रेलिवेंट ही है कि एक्सटर्नल रिलेशन क्या आ जाते हैं सबसे पहले इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को आप किस तरह से हैंडल करेंगे उनको किस तरह से इन्फॉर्म करेंगे उनको किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू आउट इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन उनको किस तरह से आप लूप में लेंगे आफ्टर दैट मीडिया मीडिया के साथ आप किस तरह से हैंडल करेंगे डेफिनेटली कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है रॉन्ग एक इमेज जाता है कंपनी का तो उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है एकदम से आपने न्यूज़ ब्रेक करनी है या मतलब आपने कोई शॉकिंग न्यूज देनी है या स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे तो आपके पास प्रॉपर एक एक्सटर्नल रिलेशन हैंडलिंग टीम या एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो कि इनको मैनेज करें नेक्स्ट इज लोकल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसिस लोकल रेजिडेंट्स हैं या जो आपसे एसोसिएटेड बिजनेसिस हैं उनको आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है ये भी आप मैनेज करेंगे ये सारी चीजें मैनेज करने के बाद आप नेक्स्ट राइट के ऊपर हम चलते हैं गेटिंग इट राइट आपने चीज़ों को किस तरह से ठीक करना है देखें इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट बना के उसको ड्रॉ में रख लेना ही काम नहीं है बल्कि चीज़ों को ठीक करना बेसिक रीजन होती है कि इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट अवॉइडिंग इट हैपनिंग अगेन नॉट एट्रीब्यूटिंग ब्लेम इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ ये होना चाहिए कि रीअकरेंस ऑफ एक्सीडेंट को हमने रोकना है ना कि किसी के ऊपर ब्लेम डालना है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है ये रिक्वायर्ड नहीं होता बल्कि हमने मेन चीज ये बतानी है कि रूट कॉजेज क्या थी अंडरलाइन कॉजेज क्या थी इमीडिएट कॉजेज क्या थी और फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि सिमिलर एक्सीडेंट दोबारा साइट पे हैपन ना हो नेक्स्ट इज हैविंग प्लान इन प्लेस बिफोर एक्सीडेंट विल हैपन फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हमने प्लान बनाना है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है ताकि इन्वेस्टिगेशन को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके दोबारा ऑफ एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा शेयरिंग द फाइंडिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अब फाइंडिंग्स को हम वर्कर्स के साथ भी शेयर करेंगे और एक्सटर्नल टू द कंपनी जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज है इंश्योरेंस कंपनी है अदर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस मॉड्यूल सिक्स यहां पे हमारा मॉड्यूल सिक्स कंप्लीट होता है की लर्निंग पॉइंट्स जो हमने देखे हैं वाई इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हाउ डू एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स हैपन एक्सीडेंट और इंसिडेंट किस तरह से होते हैं और किस तरह से हम इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं हमने डिटेल में ये लेक्चर नंबर एट और लेक्चर नंबर नाइन में हमने इस मॉड्यूल सिक्स को कवर किया है सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस कॉन्टेंट हेल्पफुल डू कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल स्टे यूड फॉर अपकमिंग वीडियोज़